रणबीर आलिया से शादी में हुई कौन सी बड़ी गलती। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं पॉलीग्राफ स्टूडियोज, मैं सुनीका जाल। दोस्तों, फाइनली रणबीर आलिया की शादी हो चुकी है। उनकी तस्वीरें लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। नीतू कपूर और ऋषि कपूर की पसंद की बहू आखिरकार घर आ ही गई। ऋषि कपूर हमेशा से चाहते थे कि आलिया उनकी घर की बहू बने, लेकिन वो ये शादी नहीं देख पाए। अब आलिया भट्ट और रणबीर कपूर ने शादी की 14 अप्रैल को जब उनकी शादी हुई, उसके बाद जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो कहीं ना कहीं चौंका रही है, क्योंकि जो उनकी मेहमानों की लिस्ट थी उनमें जो लोग गायब हैं नहीं दिखे। फैंस बहुत ज़्यादा परेशान हैं इस बात को लेकर। आपको बता दें, रणबीर कपूर के बचपन के दोस्त सिद्धार्थ आनंद, जिन्होंने बचना ए हसीनों में उन्हें डायरेक्ट किया था, वहीं विक्रमजीत सिंह, बिनॉय गांधी शादी में नहीं नजर आए, किसी भी तस्वीर में नहीं दिखे। और इसके अलावा कई ऐसे लोग थे जो कि इस शादी का हिस्सा नहीं बनते दिखे, जिसके बाद सोशल मीडिया पर फैंस बहुत चौंके हैं और सवाल भी खड़े कर रहे हैं। संजय लीला भंसाली, जिन्होंने सांवरिया में रणबीर कपूर के करियर की शुरुआत की और जिनकी गंगूबाई काठियावाड़ी में आलिया भट्ट ने जानदार परफॉर्मेंस दी, उनका ना होना भी बहुत ज़्यादा चौंकाने वाला था। लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा में रहा बच्चन परिवार। देखा जाता है कि ऐसा कोई फंक्शन नहीं होता जहां पर बच्चन परिवार को आमंत्रित ना किया जाए, लेकिन रणबीर और आलिया की शादी में वो नहीं दिखे। इसके अलावा बच्चन की बेटी श्वेता बच्चन नंदा और उनके नाती यानी कि नव्या नवेली और अगस्त्या भले शादी में मौजूद थे और दूल्हे की तरफ से मौजूद थे, बाकी बच्चन परिवार को आमंत्रित नहीं किया गया। ये चर्चा में बना क्योंकि बहुत टाइम से यही अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि शादी में और कोई हो ना हो, लेकिन बच्चन परिवार ज़रूर शामिल होगा। तो दोस्तों, कितना इंतज़ार है आपको ब्रह्मास्त्र का, नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज़ को।